हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस वीडियो में बेसिकली हम ये जानेंगे कि जो हम लोगों का जो क्रिमिनल सिस्टम है, ठीक है, तो बेसिकली क्रिमिनल सिस्टम के बारे में जो है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो देखिए, ये जो हम लोग का वीडियो है ये इस टॉपिक का जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इस टॉपिक के जो बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मतलब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। तो क्योंकि ये जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए जो हम लोग इसको जो कुछ वीडियोस में डिवाइड करके जो है इसको जो स्टडी करने वाले हैं, इसको जो पढ़ने वाले हैं, ताकि हर चीज़ जो हम लोग को बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। तो ये जो हम लोग का वीडियो है बेसिकली एक इंट्रो वीडियो है, ठीक है, इस टॉपिक का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और भी जो एक दो चीज़ जानेंगे, ठीक है, क्रिमिनल लॉ से जो है और क्रिमिनल सिस्टम से जो है रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए, जब भी हम ये देखते हैं कि कोई भी आदमी जो है किसी लॉ को जो है वायलेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि कोई भी आदमी जब कोई क्राइम करता है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है सीधे जो पुलिस को जो है इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, पुलिस आती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी है जिसने जो चोरी करके भाग गया, तो अब जब चोरी होता है कहीं भी, तो अब क्या होता है कि पुलिस को कॉल किया जाता है। अब पुलिस आती है, फिर जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, और जिस भी आदमी का जो है जिस भी आदमी के ऊपर उसको शक होता है कि इसने चोरी की होगी, तो उसको जो वो क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। या फिर मान लीजिए कि कहीं मर्डर हो जाता है, तो मर्डर होता है तो कोई भी आदमी आखिर देखता है उसे, तो वो उसे जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, पुलिस आएगी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जिस आदमी के ऊपर भी शक होता है, ठीक है, भले ही पता नहीं है कि उसने किया है मर्डर या फिर नहीं किया है, ठीक है, शक होता है उसके ऊपर, तो वो जो है उसको जो है क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये तो हमने जो है रियल लाइफ में भी ये चीज़ जो है जाना है, और साथ में मूवीज़ में भी जो है यही सब बताया जाता है, यही सब जो है दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक अगर कोई भी आदमी क्राइम कर रहा है तो उसको जो है पुलिस पकड़ रही है, ठीक है। लेकिन देखिए, हम देखिए अगर हम बात करें पुलिस की वर्क का, ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम मान लीजिए कि पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो पुलिस क्या करती है, किसी भी चीज़ को जो है इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत जो इकट्ठा करती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करती है कि जिस भी आदमी के ऊपर शक होता है उसको जो अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अरेस्ट मतलब जो पूरे जो सबूत होते हैं, तो सबूत को जब इकट्ठा करती है सारे एविडेंसेस को, तो जिस भी आदमी के ऊपर इशारा कर रहा होता है कि ये चीज़ इसका है, तो क्या पता इसने इस तरीके से किया हो, उसको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगी कि वो जो आदमी है, ठीक है, तो उससे पहले तो थोड़ी बहुत जो सख्ती से पेश आएगी उसके सामने कि उसने जो किया है वो क्राइम या फिर नहीं किया है। उसके बाद फिर क्या करेगी, वो रिपोर्ट तैयार करेगी, और किसको जो भेज देती है, वो कोर्ट के पास। अब जो कोर्ट होता है, तो कोर्ट क्या देता है, जो कोई भी आदमी होता है उसको जो फेयर ट्रायल देता है, ठीक है। फेयर ट्रायल क्या होता है, तो ये जो हम इस टॉपिक में जो जानने वाले हैं, ठीक है, ये इंट्रो वीडियो है, तो ये हम जानेंगे क्या क्या जो इस टॉपिक में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पुलिस का सिर्फ इतना ही वर्क होता है कि वो गई, अगर कोई भी आदमी इन्फॉर्म करता है, इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है, उस आदमी से जो पता लगाने की कोशिश करती है, रिपोर्ट कोर्ट में भेजती है, उसके बाद फिर कोर्ट के हाथ में जो है सारा काम आ जाता है, ठीक है। पुलिस के पास ये राइट नहीं होता कि वो जो है ये फैसला करे, ये डिसाइड करिए कोई भी आदमी गिल्टी है या फिर नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी भी आदमी जो जुर्म किया है या फिर नहीं किया है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो पुलिस होती है, तो किसी भी आदमी को अरेस्ट किया उसने, ठीक है, जो पुलिस होती है, उसके बाद उसको जेल में डालती है, और उसके सामने जो है बहुत ज़्यादा सख्ती से जो है पेश आती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा मार पीट रही है उस आदमी को, तो भले ही उस आदमी ने क्राइम किया हो या फिर ना किया हो, लेकिन वो उसको जो पुलिस मारे ना, इसलिए जो आखिर उसने नहीं भी किया हुआ क्राइम, तो वो जो ये बोल देता है कि मैंने क्राइम किया है। तो इसलिए आखिर मान लीजिए पुलिस जो है सख्ती पेश आती है, सख्ती से जो है किसी भी आदमी के आगे जो पेश आती है, और उस आदमी ने जो है ये कबूल कर लिया कि मैंने क्राइम किया है, तो उसको जो नहीं माना जाएगा, ठीक है। जब तक कोर्ट जो फैसला नहीं लेती, तो उस आदमी को जो कोई भी डिसाइड नहीं करता कर सकता कि वो आदमी गिल्टी है या फिर नहीं है, सिर्फ जो कोर्ट के हाथ में जो है इसका फैसला रहता है, ठीक है। तो पुलिस जो है ये जो फैसला नहीं कर सकती कोई भी आदमी गिल्टी है या फिर नहीं है, क्योंकि जो पुलिस होती है वो क्या करती है, भले थोड़े बहुत सख्ती से पेश आ जाती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जो सख्ती से पेश आती है,
जिससे क्या होता है कि आदमी जो डर के मारे जो है अपने गुनाह को जो है कबूल कर लेता है, आखिर उसने जो है वो गुनाह किया भी नहीं होता है। या फिर तो बहुत टाइम जो है मतलब बहुत ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें जो है पुलिस ने किसी आदमी को इतना मारा है कि उस आदमी की जो है मौत हो गई है, ठीक है। और ऐसे जो है बहुत सारे केसेस भी जो है देखने को जो है मिलते हैं, लेकिन पुलिस के पास ये जो है पावर नहीं है कि वो जो है किसी भी आदमी को मार पीट के जो थोड़े बहुत सख्ती से पेश आ सकती है, लेकिन उसके पास ये राइट नहीं है कि वो जो है लोगों को मार पीट के जो है ये जो है जो कबूल करवाए कि वो जो है गिल्टी है या फिर गिल्टी नहीं है, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर आपने जो है FIR के बारे में सुना होगा कि जैसे मान लीजिए कि कहीं भी चोरी होता है तो लोग कहते हैं कि FIR दर्ज करा दो पुलिस स्टेशन में। तो FIR क्या होता है ये भी जो है हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो और भी कुछ टॉपिक जो है हम जानने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। तो इसको अच्छे से जो है एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, अच्छे से इसको मैं बता पाऊँ, इसलिए जो है कुछ टॉपिक्स हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे केस स्टडी। देखिए केस स्टडी क्या है, द स्टेट वर्सेस शांति हेमराम, ठीक है, ये एक केस है जो कि 2006 में जो हुआ था। तो अगर हम लोग इस स्टोरी को जानते हैं, देखिए इस केस स्टडी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर होगा। और इसमें जो हम लोग FIR के बारे में भी जानेंगे कि FIR क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से जो कोर्ट्स होती हैं वो फैसला लेते हैं, पुलिस के हाथ में जो क्या वर्क होता है, तो यही जो हम लोग इस केस स्टडी के थ्रू जो है जानेंगे। फिर हम लोग का टॉपिक आएगा व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, यानी कि जब भी कोई क्राइम होता है तो जो पुलिस होती है, ठीक है, तो वो जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन में वो क्या क्या कर सकती है, उसका क्या रोल होता है इन्वेस्टिगेशन में, ये हम जानेंगे। फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो सबसे पहली बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है ये भी हम जानेंगे, ठीक है, और उसका रोल क्या होता है ये भी हम जानेंगे। उसके बाद फिर आपने जो जज के बारे में सुना होगा कोर्ट में जो अजय फैसले लेते हैं, तो जज का रोल क्या होता है, ठीक है, फैसले तो लेते हैं लेकिन क्या जो अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं कि कोई भी आदमी आया है तो अपनी मर्जी से क्या ले लेते हैं फैसला कि उस आदमी ने जो क्राइम किया या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो पूरा इनका रोल जानेंगे और कैसे जो फैसला लेते हैं ये हम जानेंगे। उसके बाद फिर एंड में हम क्या जानेंगे व्हाट इज़ फेयर ट्रायल, ठीक है, जो अभी हमने जाना फेयर ट्रायल क्या होता है। तो कोई भी आदमी के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगता है ये आरोप लगता है कि उसने जो क्राइम किया है तो उसको जो एक फेयर ट्रायल दिया जाता है जिससे जो वो ये जो है साबित कर दे कि उसने जो क्राइम नहीं किया है कि नहीं किया है। तो यही हम जानेंगे, पूरा इसका प्रोसेस जानेंगे फेयर ट्रायल होता क्या है। तो ये जो है बेसिकली क्या था इसका जो है इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। अब ये जो हम लोग का टॉपिक है तो इसको अच्छे से जानने के लिए हम लोग एक केस स्टडी जानने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का हम लोग का टॉपिक रहेगा द स्टेट वर्सेस शांति हेमराम, ठीक है, एक जो केस होता है, ठीक है, तो जो कि 2006 में हुआ था। तो हम जानेंगे किस तरीके से जो शांति हेमराम रहती है तो वो जो एक डोमेस्टिक वर्कर रहती है, ठीक है, वो जो लोगों के घर में जो काम करती है तो किस तरीके से जो उसके ऊपर जो गलत आरोप लग जाता है और फिर किस तरीके से जो कोर्ट होती है, ठीक है, तो अपने फैसले लेने में जो कितना टाइम लगाती है और क्या उसने जो है उसका जो आरोप होता है वो सही लगा रहता है या फिर गलत लगा रहता है, ठीक है, पूरा हम जानेंगे। इसमें जो पुलिस का रोल क्या होता है, जज का रोल क्या होता है, ये भी सब चीज़ हम लोग जान लेंगे, ठीक है। और भी हम लोग की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 39 हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें क्या दिया है। तो ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ जो है हम लोग इस केस स्टडी के थ्रू जो है जानने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसी केस स्टडी को जो है जानने वाले हैं। इसी के साथ इस ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।